अब हम देखते हैं करप्शन के कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ करप्शन। देखो क्या रहता है, हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो स्कूलों में हम वही वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में होता है, उसके बाहर हम कुछ नहीं पढ़ते। लेकिन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आप वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं है, या पाठ्य पुस्तकों से कुछ हद तक रिलेट करता है लेकिन आपकी जीवन से, आपके लाइफ से बहुत ज़्यादा संबंधित होता है। जैसे करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो भले ही आपकी किताबों में या पाठ्य पुस्तकों में ना हो, लेकिन समाज में करप्शन बहुत बुरी तरीके से समाज को प्रभावित कर रहा है, और उस वजह से हमें करप्शन पर बोलना आना चाहिए। जब आप कभी अधिकारी बन जाओगे तो हो सकता है करप्शन के खिलाफ आपको भी आवाज़ उठानी पड़े या करप्शन के खिलाफ आपको भी अभियान चलाना पड़े। आपने देखा होगा जैसे भारत के जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे ईडी है, ठीक है, तो ईडी और जैसे कि सीबीआई है, ठीक है, ईडी है, और भी जो डिपार्टमेंट होते हैं जो इनकम टैक्स रिलेटेड डिपार्टमेंट है जो करप्शन को पकड़ते हैं, जैसे अपने यहाँ पे लोकायुक्त है, ठीक है, और लोकायुक्त पुलिस होती है, उसको फ़ोन लगा दो तो वो रंगे हाथों पकड़ते हैं लोगों को जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें नहीं, जबलपुर में है तो हम फ़ोन लगा देते हैं तो चुपचाप वो हमारी ट्रैकिंग करने लगते हैं, और ट्रैकिंग करने लगते हैं और एक समय बाद वो पकड़ लेते हैं। जैसे आपसे किसी ने रिश्वत मांगी तो आप उनको गूगल पे नंबर मिल जाता है, आप उनको संपर्क करो, वो बकायदा आपके पूरे जिसने आपसे पैसे मांगे उसको सर्विलेंस पे रखेंगे, आप नंबरों की रिकॉर्डिंग करेंगे और आपसे पल पल की खबर लेंगे, और एक समय ऐसा आएगा वो आके पकड़ लेंगे। वो आपसे पूछेंगे कब पैसे मांगे, कब आप देने वाले हैं, तो वो आपको ऐसे कलर वाले पैसे दे देते हैं। जब वो आप उनको पैसे देते हैं साने वाले को, साने वाला लेता है, और थोड़ी देर बाद वो टीम आ जाती है और बोलती तुमने पैसे लिए हैं, वो कहते हैं हमने नहीं लिए। बोले नहीं लिए तो एक काम करो, ये डब्बे में पानी है इसमें हाथ डालो। जैसे डब्बे के पानी में हाथ डालते हैं पानी लाल हो जाता है, क्योंकि नोटों में एक ऐसा केमिकल लगा होता है कि ऐसे पकड़ने में रेड नहीं होते, जैसे ही पानी में हाथ डालते हैं रेड हो जाते हैं। यस, ठीक है, तो उसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। तो करप्शन का है कि व्हेन एनी वर्क इज़ नॉट डन एज पर गवर्नमेंट रूल इज कॉल्ड द करप्शन। ओके, एंड ये भी कह सकते हैं कि डूइंग द इलीगल वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी या अगेंस्ट द गवर्नमेंट रूल इज कॉल्ड द करप्शन। ओके, वेयर द ब्राइबरी बिकम मेन फैक्टर, जहाँ पे मुख्य जो कारक होता है वो रिश्वतखोरी होती है। तो ये है कि ये भी कर सकते हैं हम दूसरे शब्दों में कि व्हेन एनी वर्क इज गेटिंग डन विद द हेल्प ऑफ ब्राइबरी इज कॉल्ड द करप्शन। कोई भी काम जब करवाया जा रहा है रिश्वत के द्वारा तो वो क्या किस श्रेणी में आएगा, करप्शन की श्रेणी में। तो इसी को कह सकते हैं कि दैट एवरी लीगल वर्क इज़ नॉट करप्शन बट द लीगल वर्क इज इलीगलाइज्ड एंड लीगल वर्क इज डन बाय द इलीगल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ब्राइबरी इज कॉल्ड करप्शन। ठीक है, तो करप्शन ये है। हुज रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन इन इंडिया, बताओ भाई अपने देश में करप्शन के लिए कौन जिम्मेदार है। आई थिंक वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन इन इंडिया। आई थिंक द कॉमन मैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉइज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करप्शन, बिकॉज द करप्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड बाय द सिंगल पर्सन, इट इज़ एलिमिनेटेड बाय द जॉइंट ऑपरेशन ऑफ वी ऑल। जब हम सब मिलकर इस पर चोट करेंगे तभी ये मिट पाएगा। अगर हम देखते हैं, इफ़ वी डायरेक्टली ब्लेम द पुलिस डिपार्टमेंट और एडवोकेसी और ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स, सो इट मीन्स दैट वी कांट एलिमिनेटेड बिकॉज समवेयर और द अदर वी ऑल्सो द पार्ट ऑफ करप्शन। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन व्हेन पॉलिटिशियन डिस्ट्रीब्यूट मनी एंड ल्यूर द वोटर, दे डिस्ट्रीब्यूट मनी बिफोर वन डे और टू डेज ऑफ द इलेक्शन, so the some people take money and vote for the candidate. Okay, so I think that vote is not a sellable product. They should not vote for the candidate with the help of money. If they give the vote on the base of money, so there will be no development after the election, there will be no development, there will be no good policies in favor of public. So somewhere or the other public is responsible. If a politician is wrong, he should be rejected, he should be आई थिंक कहना चाहिए कि वो रिजेक्टेड हो जाना चाहिए पब्लिक से, पब्लिक को उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, पब्लिक को उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए कि ये काम का नहीं है। दैट पब्लिक शुड वोट फॉर द नोटा नॉट फॉर द पॉलिटिशियन।
तो ये है कि वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करप्शन। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स टू प्रमोट द करप्शन इन इंडिया, व्हाट आर द फैक्टर्स। तो देखिए एक ही फैक्टर होता है टू प्रमोट द करप्शन, टू थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर दैट देयर इज नो स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट अगेंस्ट द करप्शन। फर्स्ट थिंग इज दैट देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर द करप्शन। सेकेंड थिंग द इनएक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट इज अ इनएक्टिव देन करप्शन। एंड थर्ड, अवर एंटी करप्शन एजेंसीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली। एंड फोर्थ थिंग इज दैट ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी डिजिटल, ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी ऑनलाइन, सो दैट वी कैन इजिली ट्रैक द इलीगल ट्रांजेक्शन। सो द टू थ्री फोर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ दैट अवेयरनेस ऑफ द पीपल। एंड सिक्स्थ दैट ऑनेस्टी, मतलब लास्ट फिफ्थ इज द ऑनेस्टी, दैट एवरी वन शुड बी ऑनेस्ट। सो द पीपल्स डिसऑनेस्टी और डिसलॉयल्टी बिकम द रीज़न ऑफ करप्शन। इफ द पीपल प्ले विद द सिक्योरिटी, पीपल प्ले विद द डिग्निटी ऑफ द कंट्री, दे इन्वॉल्व इन करप्शन। और दैट ऑनेस्ट पर्सन थिंक्स दैट दिस इज माई कंट्री, दिस इज माई मदर लैंड, दे नेवर इन्वॉल्व इन करप्शन। तो जनरली द फैक्टर्स इज द इनएक्टिव गवर्नमेंट और लैक ऑफ पनिशमेंट, लैक ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज और डिसऑनेस्टी और डिसलॉयल्टी ऑफ द पीपल। ओके, और एक और बात हो सकती है कि पीपल हैव नो स्पिरिट टू सेव द पीपल, नेफेरियस, अगर लोग बेईमान हैं। विच डिपार्टमेंट इज़ हाईली करप्टेड इन इंडिया एंड हाउ, विच डिपार्टमेंट इज़ हाईली करप्टेड। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से दैट विच डिपार्टमेंट इज़ हाईली करप्टेड। आई थिंक ऑल द गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स हैव अ करप्शन, सम वे आर लिटिल बिट, सम वे आर मोर करप्शन, बट एवरी डिपार्टमेंट हैज़ अ करप्शन। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच डिपार्टमेंट इज़ हाईली करप्टेड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी रियलाइज दैट पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी हाईली करप्ट, एंड पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट, बट द पॉलिटिशियन इलेक्टेड फॉर 5 year सर्विस, दे हैव द पोजिशन फॉर 5 years, आइदर दे आर MP और MLA, दे आर फॉर 5 years, और दे बिकम द मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, वॉट एवर द पोस्ट अकॉर्डिंग टू देयर पार्टी। So they involve in corruption because they have only the time of 5 years. So they think we should earn more and more. So mostly that politics corrupt. Okay. How can corruption be eliminated? Corruption को कैसे समाप्त किया जा सकता है? आप बताओगे कैसे किया जा सकता है? How can corruption be eliminated? बताओगे भाई कैसे किया जा सकता है? Corruption can be eliminated by the awareness of the people. Number one, neither we give bribe nor take bribe. Second, we should complain against the corrupt officer or corrupt man or corrupt politician. Third, we should always choose correct politician or we should always choose the correct candidate at the time of election. And the next, we should complain that our government should be active. And government agencies that catch corrupt politician or the corrupt people, that agency should work hard and properly. Okay, and the next thing, that every government's policies should be open in public. Okay, every government policies, cost, that value, how much investment or how much expense of the road construction, how much expense of the bridge construction, that should be in public. Okay, and how many policies are going on by the government, how many policies are being implemented, so the every information should the public have, and people's awareness can control the corruption. Logon ki jagrukta to use rok hi sakti hai, baki jo agencies hain unko thoda sa active hone ki zarurat hai, और एंटी करप्शन जो एजेंसीज उनको ज़्यादा। वाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ करप्शन, करप्शन के कारण भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट बिकॉज ऑफ करप्शन दैट पीपल हैव नो बिलीव फॉर आवर गवर्नमेंट। पहली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के कारण लोगों में अपनी सरकार के प्रति निष्ठा नहीं है, ईमानदारी नहीं है सरकार के प्रति, उन्हें विश्वास नहीं है कि हमारी सरकार हमारा कभी भला करेगी, क्योंकि करप्शन बीच में आ जाता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट बिकॉज ऑफ करप्शन पर्सन डज नॉट फील सेफ, ऑलवेज ही फील्स इनसिक्योरिटी इन लाइफ, उसे लगता है दैट हाउ कैन आई गेट माई वर्क डन, ही हैज़ अ नेगेटिव माइंड सेट
दैट टू गेट एनी वर्क डन ही हैज़ टू पे ब्राइब देन ही कैन गेट हिज वर्क डन. द एस्पायरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑफ द IAS एंड IPS और पटवारी और एनी अदर एग्जाम एनी गवर्नमेंट एग्जाम दैट ही हैज़ अ डाउट वेदर आई विल बी इफेक्टेड बाई द करप्शन और नॉट. उसे ये लगता है कहीं मैं भी करप्शन का शिकार ना हो जाऊँ. ठीक है, उसे ये लगता है कि वेदर आई विल बी सिलेक्टेड और नॉट, वेदर ही हैज़ अ लो मार्क्स इन एग्ज़ाम, इवन देन ही थिंक्स दैट ही इज़ डिसक्वालीफाइड बिकॉज ऑफ करप्शन. प्रोबेबली लो रैंकर कैन बी क्वालिफाइड बाय द करप्शन, समबडी हैज़ गिवन द ब्राइब टू बी क्वालिफाइड. सो ये एक बड़ा भ्रम पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमसे कम नंबर वाला क्वालिफाई हो गया हो, भले ही उसके नंबर ज़्यादा हो, लेकिन एक अविश्वास भारत की जनता के अंदर है, उन्हें ऐसा लगता है ईमानदारी नहीं है. ओके, एवरीवेयर दे हैव अ डाउट. इफ समबडी इज अर्निंग मनी बाय द हार्ड वर्क, इफ अवर ऑफिसर अर्निंग मनी बाय द हार्ड वर्क, देन पीपल थिंक दैट डेफिनेटली ही इन्वॉल्व इन करप्शन, जरूर वो इन्वॉल्व होगा करप्शन में. सो बिकॉज ऑफ करप्शन इंडिया हैज़ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया हैज़ अ पॉवर्टी, इंडिया हैज़ अ क्राइम, एंड दिस कंट्री हैज़ द लो लेवल लो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल बिकॉज द करप्शन डिस्ट्रॉयड द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब. करप्शन डिस्ट्रॉयड द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज. दैट करप्ट पीपल, जो करप्ट व्यक्ति होता है वो क्या करता है, दूसरों के अधिकारों को नष्ट कर देता है. दैट डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ अदर्स, क्योंकि वो पूरा पैसा खुद हथिया लेता है. तो करप्शन के कारण देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, और अविश्वास तो है ही है, और अपराध भी हैं, मर्डर होते हैं, हत्याएं होती हैं, करप्शन के कारण हो जाती हैं. कोई जिन नहीं मानता तो आदमी उसे निपटा देता है.